राहुल गांधी इज नॉट सेइंग यस, इज नॉट सेइंग नो, इज नॉट सेइंग कांट से टू वेदर ही विल फाइट फ्रॉम अमेठी. आर दे वेटिंग फॉर सम स्पेशल डेट? व्हाट इज देयर? व्हाई? दैट इज द डायलेमा. व्हाट इज द डायलेमा? एंड डायलेमा इज डायरेक्शनलेस. माय लेटर आल्सो आई हैड मेंशनड वन वर्ड इन हिंदी, दिशाहीनता. फर्स्ट पर्सन अर्नव हैड नेवर कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ क्लास मॉनिटर. वो आदमी ये कहता है कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है. यू आस्क दैट जनरल सेक्रेटरी प्लीज नेम 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गिव हिम 1 मिनट टाइम. हाउ मच? ही कांट नेम 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ उत्तर प्रदेश. आई यूज टू रीड कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक आदमी ने बनाया, आज भी वही बना रहा है. आपके ये 3 व्यक्ति हैं, जयराम रमेश, मैं, केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम. मैं इनका नाम नहीं ले, यही है ना, मैं ले रहा हूं. द बज इज दैट राहुल गांधी आफ्टर वायनाड वोटिंग हैपेंस देन दे विल अनाउंस अमेठी. और मेरा कहना है कि इफ यू आर गोइंग टू फाइट अमेठी तो छिपाने वाली बात क्या है? व्हाट इज देयर टू बी एंबैरस्ड अबाउट? व्हाट यू आर सेइंग इज उनको डर है कि अगर अमेठी अनाउंस कर दे तो वायनाड की एक देखो सेगमेंट विल नॉट वोट फॉर. थ्री रीजंस. आप 5 साल कोई क्षेत्र में जाओ ही नहीं और आप चुनाव के लिए चले जाओ तो आप फॉरगेट अबाउट रिजल्ट, आप चुनाव का पर्चा भरना जाना मुश्किल हो जाता है. पर कांग्रेस के अगर नेता सुन रहे हैं तो मेरी बात गंभीरता से सुनिएगा. जब तक कांग्रेस पार्टी पीपुल लाइक लालू यादव, अखिलेश यादव फैमिली, अगर जब तक इनसे अलायंस कर रहे हैं तब तक मैं क्या लिख के दे सकता हूं कि आप सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, सत्ता से 100 कदम दूर रहोगे. 100 कदम. आज का ओबीसी मुलायम सिंह यादव की ओबीसी के माइंडसेट का नहीं है. कांग्रेस पार्टी अगर निपट गई कम सीटों में और भी कम सीटों में, उसके बाद भी क्या आपको लगता है ये 3 लोग, ये 3 व्यक्ति और उनके साथ जो गांधी वाड्रा परिवार है वो ही रहेंगे? इन तीनों का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है. कांग्रेस भले ही निपट भी जाए तो ये बोलते हैं हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है. जो मुझे लगा, गौरव वल्लभ इज विद मी, टिल रिसेंटली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फेसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, स्टंड अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन ही मूव टू द बीजेपी, एंड ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फेसेस ऑफ द कांग्रेस हु हैज मूव टू द बीजेपी, एंड आई कंसिडर हिम देयरफॉर very much till recently a Congress insider. Straight question to you, Gaurav. Why is the Congress party, in your view, as an ex-insider, not committing to Amethi? See, I conveyed this at various platforms. When Rahul Gandhi ji is saying, Daro Mat, why CWC is in a fear? Why there will be around 75-80 members in CWC, including permanent members, special invitees, secretaries, general secretary in charges, CWC members. There are a group of 80-85 people. Out of that, only 3 people are contesting election. Why? Why treasurer of CWC is not contesting? Why general secretaries except one is not contesting? Why are they not contesting? Because they had a fear. 8 लाख से हारे तो मुंह किसको दिखाएंगे? दैट फियर. इतना डरते हैं. राहुल गांधी जी कह रहे हैं डरो मत. अरे इनकी क्लास ले वो पहले. नहीं, आप जो कह रहे हैं डरते हैं, ये मैं आपकी सरमाई से आपका गेस है कि आपकी कोई मतलब? अरे मैं गेस क्या अर्नब जी, मैं गेस क्यों करूं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आई एम नॉट सेइंग दिस डेटा इज इन पब्लिक, दैट प्लीज चेक हाउ मेनी मेंबर्स आर इन CWC एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन. Why ex-chief ministers, ex-deputy chief ministers are not contesting the election? Whether it is Rajasthan or Madhya Pradesh, except Bhupesh Baghel sahab. But unki baat alag hai. Their case is different. I am asking about Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is not saying yes, is not saying no, is not saying can't say to that whether he will fight from Amethi. Are they waiting for some special date? what is there? Why? That is the dilemma. What is the dilemma? And dilemma is directionless. That is the reason in my letter also I had mentioned one word in Hindi, dishahinata. On one certain day, they will start caste census.
On next day, Adani Ambani abusing. On third day, unemployment. On fourth day, price rise. On fifth day, they will talk about Agniveer. On sixth day, they will talk about GST. On seventh day, they will again start the caste census. And eighth day, they will talk about EVM. How do they decide which subject to keep focusing on, keep changing? How do they decide? How does the decision happen? I will give you. There are three people. Okay. Who take a call on this? Which three? I don't want to name them, but name them. I will hint you. Okay. You will understand on your okay, viewers. You tell me the you hint. Because I had a certain level of ethics, sure, which sure, I had mean, but, promised with myself. But give me a hint. The first person, Arnav, had never contested the election of class monitor. Class monitor ka chunav nahi lada hai. Jairam Ramesh. Wo aadmi. Jairam Ramesh. Wo aadmi ye kehta hai ki Bhagwan Ram ke pran pratishtha mein nahi jana hai. अर्नब मैं एक बहुत फनी एग्जांपल बता रहा हूँ एंड यू चेक. मैं 1998 में कॉलेज में पास आउट हो रहा था. मैं उस आदमी को टीवी पर देखता था एज ए स्पोक्स पर्सन. आज भी वही जिसने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है वो नीति बना रहा है. कैन यू बिलीव दैट? नंबर टू, हु इज गिविंग इलेक्शन टिकट्स ऑफ लोकसभा एंड साइनिंग. अगर अर्नब आपको कभी मौका मिला, आपको तो नहीं देंगे वो मौका, आई एम सॉरी, पर अगर किसी को आप भेजना और उनको बोलना उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों का नाम बताइए. यू आस्क दैट जनरल सेक्रेटरी प्लीज नेम 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गिव हिम 1 मिनट टाइम. हाउ मच ही कांट नेम 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ही इज गिविंग टिकट. द थर्ड वन, अर्नब, व्हेन इन 1992 आई वॉज इन क्लास 10th, and from that day, my father used to force me to read newspapers. So I used to read newspapers. That time I used to read ki Congress ka manifesto ek aadmi ne banaya. Aaj bhi wohi bana raha hai. Chidambaram. 1992 se 2024 mein baithe hai Arnab. Chidambaram. Main 10th se padh ke mere aadhe yahan ke baal to safed ho gaye, yahan bhi safed ho rahe hain. Par wo aadmi wohi baitha hai. Ji, baithe. Aapke ye teen vyakti hain, Jairam Ramesh. मैं केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम. मैं इनका नाम नहीं ले रहा. यही है ना. मैं ले रहा हूं. मैं ले रहा हूं. नाउ आई गिव हिंट्स बट एम आई ब्रॉडली? ब्रॉडली यू आर ओके. यू गिव मी 80% ब्रॉडली. यू आर ओके. यू गिव मी 80% और मोर देन दैट. सो आई एम 100% राइट. सो दिस सो माय क्वेश्चन, आई गो बैक टू द क्वेश्चन. राहुल गांधी, सी, इट इज नॉट अबाउट एनी सीडब्ल्यूसी नंबर. दे आर सेइंग द इंटरनल स्टोरी जो बस जा रही है अभी, द बज इज that Rahul Gandhi, after Wayanad voting happens, then they will announce Amethi. Aur mera kehna hai ki if you are going to fight Amethi, to chipane wali baat kya hai? What is there to be embarrassed about it? Darte hain. Why? Ki Wayanad ke log ye na soche ki ye Amethi shift ho jayenge to wo vote hi na kare. De dar hai. आप कहते हो डरो, दैट इज द इनसाइड. आप कहते हो डरो मत ना, तो सबसे पहले तो अपने दिल से हार का डर हटाओ. हमें अर्नब बोला कि जाओ सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ो. हम एक रात में जाके बहादुरी से चुनाव लड़ के आए. 8 बार से हारी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ा अर्नब. हमें बोला जाओ उदयपुर से लड़के आओ. 5 बार से हारी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिम्मत से लड़े. 40% वोट लेके आए अर्नब. 40% आज तक के इतिहास में 65,000 वोट उदयपुर से आज तक कांग्रेस को नहीं मिले. ये बहुत बड़ी बात है आप कह रहे हैं. व्हाट यू आर सेइंग इज उनको डर है कि अगर अमेठी अनाउंस कर दे तो वायनाड की एक देखो सेगमेंट अर्नब विल नॉट वोट फॉर. अर्नब, 3 रीजंस आई कैन गिव यू एक्सप्लेन एंड 1 आउट ऑफ दीज 3 रीजंस विल बी करेक्ट. टेल मी. एंड दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिस्ट. करेक्ट. नंबर 1, दे हैड ए फियर कि वायनाड के लोग बोलेंगे कि यहां के नहीं, यहां पे भरोसा नहीं है, तो दे मे वोट अगेंस्ट देम. करेक्ट. सेकेंड, दे आर फीलिंग की वाई टू कंटेस्ट इन अमेठी बिकॉज अमेठी का रिजल्ट पता है. तो एक फियर ऑफ स्मृति ईरानी, फियर ऑफ अमेठी वोटर, मोर देन फियर ऑफ स्मृति ईरानी जी, मोर देन अमेठी वोटर्स, फियर ऑफ लूजिंग. अब 5 लाख से हार गए, एज्यूम 5 लाख से हार गए, जिसकी संभावना प्रबल है क्योंकि भगवान राम का पाप भी चढ़ा हुआ इस बार, और 5 लाख से हार गए, फिर क्या होगा? फिर भले यात्रा करो नहीं करो, पीपल विल नॉट बिलीव ऑन यू. दूसरी बार अगर हाँ, और 5 लाख से हार गए क्योंकि अभी संभावना वो है. तीसरी,
कि आप कोई चुनाव लड़ते हो अर्णब, तो आप प्रिपरेशन करके लड़ते हो। आप 5 साल कोई क्षेत्र में जाओ ही नहीं और आप चुनाव के लिए चले जाओ, तो आप फॉरगेट अबाउट रिजल्ट, आप चुनाव का पर्चा भरना जाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ। तो इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं कि मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना। वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई हैड नॉट वर्कड विथ हिम, बट आई कैन टेल यू वन आउट ऑफ दीज थ्री इज द रीजन। डू यू थिंक राहुल गांधी विल इवेंचुअली गो आफ्टर 26th? आई डोंट थिंक, व्हाई नॉट, आई डोंट, यू डोंट थिंक ही विल फाइट? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सीडब्ल्यूसी मेंबर ही नहीं जा रहे हैं। तो फिर दूसरी, व्हाट विल बी सेकंड कंस्टिट्यूएंसी? आई थिंक मे बी समवेयर इन तेलंगाना और कर्नाटका और समवेयर इधर। तो अरे ना, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में क्या है? कार्यकर्ता ही नहीं है, लड़ोगे क्या? बूथ पे बैठने वाला एक आदमी नहीं है, अब क्या चुनाव लड़ोगे? समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी आपको लगता है? मन से करेगी अगर वहां पे, क्योंकि 7% वोट तो सिर्फ कांग्रेस की है, बाकी जितनी 15-20% समाजवादी पार्टी। एक बात अर्णब आपको बोल रहा हूं, और कांग्रेस के अगर नेता सुन रहे हैं तो मेरी बात गंभीरता से सुनिएगा। जब तक कांग्रेस पार्टी पीपुल लाइक लालू यादव, अखिलेश यादव फैमिली, अगर जब तक इनसे अलायंस कर रहे हैं, तब तक मैं क्या लिख के दे सकता हूं कि आप सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, सत्ता से 100 कदम दूर रहोगे, 100 कदम, 100 steps अवे। ऐसा क्यों? बिकॉज पीपुल हैड रिजेक्टेड देम, रिजेक्टेड लॉट के साथ आप काम नहीं कर सकते। द पॉलिटिक्स ऑफ लालू यादव इज रिजेक्टेड बाई पीपुल ऑफ बिहार, द पॉलिटिक्स ऑफ मुलायम सिंह यादव इज रिजेक्टेड। पीपुल आर राइट नाउ थिंकिंग अबाउट एस्पिरेशनल इंडिया, पीपुल आर थिंकिंग अबाउट दैट देर इज समवन हु इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाई 2047। पीपुल आर टॉकिंग अबाउट देर इज समबडी करेजियस हु इज सेइंग दैट आई विल मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पीपुल, आई एडमायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइक गॉड, फॉर मी ही इज लाइक अ गॉड फॉर मी। आई यूज टू रीड हिज बुक्स एंड आई फॉन्डली रिमेंबर वन कोट बाई हिम, until and unless you are not going to dream big, you are not going to execute that. Prime Minister Modi ji had a capability to dream. अरे 100 साल बाद आजादी के देश developed nation बन जाएगा, और developed nation बनेगा तो सिर्फ अर्णब और गौरव को ही फायदा नहीं होगा। नहीं, गौरव एक सवाल पूछू। देखो गौरव, आप भी पोस्ट मंडल जेनरेशन हो, मैं भी हूं एक तरह से। जब आप कॉलेज में थे उसके 1-2 साल इधर उधर में मैं भी था, तो मैं सोचता हूं कि देश में 30 साल में क्या बदल गया। 25-30 साल तो हो गए ना गौरव, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने तो कभी भारत में ज्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं है, कॉलेज की पता नहीं, फ्लोरिडा यूएस में कहीं पे पढ़े होंगे, उनको शायद सेंस नहीं है कि वो लालू प्रसाद के टाइम पे जिस तरह से कास्ट को यूज करके, जाति को यूज करके पोलराइज की जाती थी, वीपी सिंह ने की थी, एक विवशता थी, देवीलाल थे, जमाना अलग था। तो मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप इनसाइडर रह चुके, ये क्या सोच है? आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद के साथ आप टाइप करके आप हारोगे, ये बात उनको समझ में नहीं आती है? उनको कौन ये समझा रहा है? ये जो 3 लोगों का मैंने हिंट दिया ना, यही समझाते हैं और यही कहते हैं चलो ओबीसी सेंसस की बात करो ताकि पोलराइजेशन हो ओबीसी। ये बहुत एकेडमिक चीज है, ये बहुत मैथमेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। हो ही नहीं सकती ना, आपको पता ही नहीं कि ओबीसी की एस्पिरेशंस क्या है। आज का ओबीसी मुलायम सिंह यादव की ओबीसी के माइंडसेट का नहीं है। वो सोच रहा है मेरी नौकरी कौन लगाएगा, वो सोच रहा है मुझे आगे कौन ले जा रहा है, वो सोच रहा है मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन इंप्रूव कर रहा है। ये सारे उत्तर में उनको नरेंद्र मोदी जी आंसर दिखता है। तो आप लोगों को पोलराइज, पहले तो रिलीजियन पे, अब कास्ट में पोलराइज। एक और एग्जाम्पल देता हूं अर्णब, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बोलता है 1 रुपया देता हूं 40 पैसे मिलते हैं, इसी पे तो पूरा चुनाव का कैंपेन चल रहा है। ये देश को तोड़ने वाला माइंडसेट है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। दिस आर्ग्यूमेंट इज अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ आवर ग्रेट नेशन। अभी कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री ने यह बोल दिया कि भाई ह्यूमन पावर, मैन पावर तो मैं भेज रहा हूं ना कारखानों में काम करने की, तो तुम क्या बना लोगे बिना मैन पावर के? झारखंड के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि मिनरल तो मेरी मिट्टी से आ रहा है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि भाई जिंक, रॉक फॉस्फेट तो मैं देता हूं,
तेल का भंडार तो मेरे यहाँ है। मगर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश तो होगी ना, और उसको मैं इस चीज के साथ लिंक करता हूँ गौरव, कि जहां पे जाते हैं देखिए ये एक आई डोंट थिंक पर्टिकुलरली राहुल गांधी अंडरस्टैंड एनीथिंग, दिस इज माई सेंस, आई डोंट थिंक ही हैज डेप्थ ऑफ नॉलेज, कोई जो डीप नॉलेज पढ़ाई लिखाई करे चीज समझे वो अलग बात है, और जो ऊपर ऊपर से पांच लोग जो बोले उसको अब्सॉर्ब करके रट्टा मार के रिपीट करना अलग बात होती है। आपने कहा जयराम रमेश की को आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, और जिन व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं ना जो क्लास मॉनिटर का इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा, तो वो तो देखिए इतनी समझ तो मुझे भी आप जयराम रमेश के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो बोलूंगा कि हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन भी कभी नहीं लड़ा होगा। पर मैं कह रहा हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई नेता जाके बोलता है भारत राष्ट्र ही नहीं है तो गलत, इंडिया इज नॉट अ नेशन, राहुल गांधी ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? गलत है। एंड उसके साथ नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की थिंकिंग इन माय व्यू सबसे डेंजरस थिंकिंग है इस कंट्री की। और ये क्या सोच क्या है, उसकी सोच बताता हूं आपको। सोच है कि जैसे आप वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हो, क्यों देते हो? उसका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग करना अर्नब कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच एक खाई खड़ी कर दो, हैव नॉट्स को अपने साथ कर लो और वोट ले लो उनका, ताकि उनको हैव नॉट्स को बोलो कि हम उनके खिलाफ हैं। अरे हैव नॉट्स तो हैव नॉट्स उन्होंने बना के। दूसरी तीसरी चीज आपको और बताता हूं, ये पॉलिटिकल, इनकी पॉलिटिक्स समझो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो तीनों लोग जिनका मैंने नाम नहीं लिया, ये घोर लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं। दे हेट प्रॉस्पेरिटी, दे हेट ग्रोथ, दे हेट हैप्पीनेस। ये सैडिस्ट, मैं आई एम यूजिंग इंग्लिश टर्म, दे आर सैडिस्ट इन देयर थॉट प्रोसेस। देश में ने सैडिस्ट लोगों को नकार दिया है। यू कांट बी सैडिस्ट, वी रिक्वायर समवन हु कैन चैलेंज कि 2047 डेवलप्ड नेशन, हु चैलेंज दैट इन माई थर्ड टेन्योर आई विल बी ए बिगर इकोनॉमी देन जापान, जापान इज राइट नाउ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हु चैलेंज दैट आई चैलेंज दैट 8% GDP ग्रोथ आई विल अचीव फॉर दिस कंट्री, दैट इज द कमिटमेंट विल दैट पीपुल ऑफ आवर कंट्री रिक्वायर। पीपुल डजेंट रिक्वायर, डरो मत नहीं, आप स्वयं डर रहे हो। CWC पूरी डर रही है, भाग रही है चुनाव से, लोग अपना घर पे बैठे हैं कि शायद कहीं देख लिया तो मेरे को टिकट ना दे दे, घर पे बैठे हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे, अरे कहीं देख लिया तो टिकट नहीं पकड़ा दे। आपने अर्नब कार्यकर्ताओं की तो स्कैर्सिटी सुनी होगी, पर कैंडिडेट्स की स्कैर्सिटी कभी सुनी है? आपको मैं एक राजस्थान का एक फनी एग्जाम्पल देता हूं। राजसमंद से कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दिया, वो आदमी विदेश चले गया। आर यू अवेयर ऑफ दिस? विदेश जाके चिट्ठी लिखी कि मैं नहीं आऊंगा, कि मैं विदेश में हूं, मैं नहीं आऊंगा, उसको टिकट दे दिया। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने टिकट दिया उसको पता ही नहीं है कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है। अर्नब उससे आप पूछो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग राज्य है कि एक ही, तो वो बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है झारखंड। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। विद दैट अंडरस्टैंडिंग कैन यू थिंक ऑफ, फॉरगेट अबाउट विनिंग द इलेक्शन, कैन यू थिंक ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन? राइट नाउ कांग्रेस पार्टी इज हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन, नॉट विनिंग। इलेक्शन कंटेस्ट की बात है। और अर्नब एक बात मैं आज आपके शो में कह के जा रहा हूं, ये सच हो जाए तो अर्नब मेरे को कोट करना जब ये सच हो जाए कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने प्रेडिक्ट किया था। बोले, जून में लोकतंत्र संविधान का तो कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मुझे लगता है जून में नहीं बचेगा, टूटेगी, मुझे लगता है नहीं बचेगा अस्तित्व। क्यों? नंबर नहीं आएंगे? नंबर नहीं आएंगे कि आप मगर इनकी माइंडसेट ऐसी है, और मैं भी नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं देखो अर्नब ये सब तो एक फेज है, ये बुरा सपना है, इट्स अ नाइटमेयर, ये खत्म होगा, हम वापस आएंगे। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट अभी भी है कि ठीक है एक हार गए, नहीं वो क्या, दो हार गए, तीन हार जाएंगे, 20 तक निपट जाएंगे, मगर वापस हम ही नहीं, वो क्या एटीट्यूड है पता आपको, कि बोर हो जाएंगे लोग। अरे बोर होंगे कैसे, मोदी जी तो नया ड्रीम देते हैं, तुमको बोर, तुम यू आर फीलिंग पीपुल आर नॉट बिकमिंग बोर, बोले बोर होके हमको ढूंढेंगे। दैट एरा इज गॉन, दैट पॉलिटिक्स इज गॉन। राइट नाउ पीपुल आर एस्पायरिंग, पीपुल वॉन्ट टू चेंज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज प्रॉमिसिंग। कांग्रेस पार्टी अगर निपट गई कम सीटों में,
और भी कम सीटों में, उसके बाद भी क्या आपको लगता है ये तीन लोग, ये तीन व्यक्ति और उनके साथ जो गांधी वाड्रा परिवार है वही रहेंगे? इन तीनों का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, कांग्रेस भले ही निपट भी जाए तो ये बोलते हैं हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है। जो मुझे लगा कि मेरे ही राज्यसभा 1.5 साल बाद होने वाली पूरी चौथी, चौथी मींस कितने साल हो गए अर्णव राज्यसभा में, 6 ईयर्स की एक होती है, 4 हो गई, 24 साल से एक आदमी बैठा है राज्यसभा में, उसकी अभी भी डिजायर है कि अभी तो मैं 75 का ही हुआ, एक और मिल जाए तो 81 का हो जाऊंगा। एक आदमी इसमें से 80 का है, वो कह रहा है एक और हो जाए तो मैं 86 तक आ जाऊंगा। इसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी चलेगी नहीं, मगर चलेगी, पार्टी टूटेगी, लीडरशिप चेंज होगी, गांधी मैं कह रहा हूं लीडरशिप तो बहुत छोटी चीज है। कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस एज ए नेशनल पार्टी रहेगा कि नहीं, मैं डाउट करता हूं। अच्छी बात आपने कही है, ये याद रखिएगा अर्णव, याद है। और मैं कोई चीज भूलता नहीं, और मुझे मेरे को कोट करना है आपको अपने शो में, मगर एक बात बताइए, मुझे 100% मिले कि नहीं? 100% गौरव, फिर मिलेंगे इलेक्शन के दिन। थैंक यू।